मुझे काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैं एक राइट प्रोडक्ट कैसे ढूंढूं सेल करने के लिए। अगर मुझे ऑनलाइन सेल करना है और इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी कैटेगरीज है, कॉस्मेटिक्स है, हाउस होल्ड है, स्टेशनरी है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल फोन्स है, सो इतनी सारी कैटेगरीज है, तो मैं एक प्रॉपर प्रोडक्ट उस कैटेगरी का कैसे ढूंढूं? तो बेसिकली जैसे अगर आप मेजरली अगर मेट्रो सिटीज़ में हो, जैसे अगर आप मुंबई में हो या दिल्ली हो या आप आसपास रहते हो, तो आप इन दोनों सिटीज़ में से कहीं पर भी विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे होलसेल मार्केट्स मिलेंगे। जैसे अगर आप मुंबई में हो तो आपको क्रॉफर्ड मार्केट है, कालबा देवी मार्केट है, अगर आप दिल्ली में हो तो सदर बाज़ार है। तो आप एक बार उस मार्केट का फील्ड स्टडी करिए, आप उस मार्केट में जाइए, आप शॉप्स में जाइए, आपको हर कैटेगरी के वहाँ पे शॉप्स मिल जाएंगे। अगर आप बॉम्बे में हो तो आपको कालबा देवी में आपको कॉस्मेटिक्स का मिल जाएगा, आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का मनीष मार्केट है, बॉम्बे सेंट्रल है, तो आपको इन मार्केट्स में जाना है। उधर बस एक रिसर्च देखना है आपको कि क्या प्रोडक्ट्स है, क्या प्रोडक्ट्स नहीं है, और फिर आपको वापस आना है। और आपको काफ़ी सारे टूल्स हैं ऑनलाइन, जैसे अगर आप जंगल स्काउट करके एक टूल है, एक हीलियम 10 करके एक टूल है, इन टूल्स पे जो प्रोडक्ट्स आपने वहाँ पे देख के आए थे, अगर आपने फोटोज़ लाए हैं और आप अमेजन पे सर्च करोगे या फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे, तो उनके आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे, उसके रेटिंग्स मिल जाएंगे। आपको इन टूल्स से आप रिवर्स सर्च करके उसका सेल्स वॉल्यूम निकाल सकते हो कि वो कितने यूनिट्स पर मंथ सेल होते हैं। तो इससे आपको एक रफली एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, और इसमें से फिर आप एक जजमेंट ले सकते हो कि जैसे ऑब्वियसली कॉस्मेटिक्स हमेशा बहुत ज़्यादा बिकेगा या इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा बिकेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उसको भी इतने आसानी से सोर्स कर पाए। तो जो प्रोडक्ट्स आप आसानी से सोर्स कर पा सकते हो, उस प्रोडक्ट को सेल करना एक वाइज डिसीजन है। बिकॉज आपको अगर आपने इनिशियली स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ ऑर्डर्स आएंगे, 5 ऑर्डर्स, 10 ऑर्डर्स दिन के, या 2 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स, बट जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जब आपको 50, 100, 200, 500, 1000 ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, और अगर आप वो प्रोडक्ट सोर्स नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएंगे जो आपने इतना मेहनत किया उस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। तो बेसिक टिप है, जो प्रोडक्ट्स आप अच्छे से सोर्स कर पाते हो, उस प्रोडक्ट कैटेगरी में या उस प्रोडक्ट में घुसना इज़ लाइक अ गुड डिसीजन।